अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। शिवाजी नगर में एक जो है नया जो है परेशानी जो है आन पड़ी है। मैंने कुछ ही देर पहले आज हमारे YouTube चैनल पे शिवाजी नगर का कोहिनो रिजवान अरशद को बताया था, हालांकि उसमें शक नहीं है। कल द शिवाजी नगर हब्बा जो है, द ग्रेट शिवाजी नगर हब्बा जो है, जश्न शिवाजी नगर जो है मनाया गया था। और आज मुझे जब वीडियो मैं शूट कर रहा था उस समय भी मुझे कुछ जो है डर लग रहा था कि कहीं जो है शैतानों की जो है नजर ना लग जाए। जिस बात का डर था वही हुआ है। और कुछ ही देर के बाद हमारा वीडियो रिलीज होने के बाद शिवाजी नगर में तहलका मच गया है। इश्तियाक पहलवान जो है, जो फिलहाल कोर्ट में जो है, उनको कुछ राहत मिली है। हालांकि वो अभी IMA के अक्यूज्ड के लिस्ट से वो बाहर नहीं हुए हैं, बस उनको सरकारी गवाह जो है बनाने के लिए जो है एक एक राहत मिली है, बस सीधी सीधी बात है। बट एट द सेम टाइम इश्तियाक पहलवान साहब जो राशन बांटने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है और वो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं या पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है। टाइमिंग को लेकर के यहाँ पे सवाल होता है। कल द ग्रेट शिवाजी नगर हब्बा होता है और आज राशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। अब राशन जो है वैसे भी जो है रमजान के महीने में इश्तियाक पहलवान जी जो है देते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो हालांकि रिजवान अरशद साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है रुकावट आ रही है, इन्होंने पॉलिटिकली वहां के MLA होने के का जो पावर है उसको गलत इस्तेमाल करते हुए राशन को गरीबों तक पहुंचाने के लिए जो है वो ऐसी शर्मनाक हरकत का रहे करके उनका जो है पुतला भी जो है जलाया गया है। बट हकीकत में जो है बात अलग है, ये सच्चाई नहीं है। हालांकि कुछ लोग रिजवान अरशद के, कुछ लोग जो है फॉलोअर्स जो है उनके चाहने वाले लोग जो है इसको इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का रंग देते हैं। हकीकत में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है अभी तक जो है कर्नाटका में अनाउंस नहीं हुआ है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सबको पता है कि रिजवान अरशद प्रेजेंट सिटिंग MLA के दुश्मन कौन है और शिवाजी नगर का दुश्मन कौन है और IMA के अक्यूज्ड के लिस्ट में किसका नाम है। हालांकि उनका जो है प्रॉपर्टीज जो थी वो जब्त नहीं हुई, उसके पीछे कारण अलग है, लेकिन कोर्ट की अपडेट मैंने आप लोगों के सामने जो है पढ़कर सुनाई थी, जहां पे कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि इट के नॉट बी रूल्ड दैट फार्मर शिवाजी नगर MLA रोशन बेग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द स्कैम। लेकिन लॉ कोई सपोर्ट नहीं करता कि उनकी प्रॉपर्टीज को जो है जब्त किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करके आवाम को इंसाफ दिलाया जाए। ये हकीकत है। अब बात यह है कि रिसेंटली इश्तियाक पहलवान जो है सरकारी गवाह बने हैं और मंसूर खान के खिलाफ जो है गवाही देने को तैयार तो हो चुके हैं। इस बीच में जो है वो ये भी है कि रोशन बेग से ये मिलने गए थे, उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, वो हमें नहीं मालूम। रिजवान अरशद जी के ऊपर हो सकता है कि बहुत बड़ी साजिश है। टाइमिंग को लेकर के सवाल आता है कि कल द ग्रेट शिवाजी नगर हब्बा हुआ था और आज जो है राशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ और जो है एक अथॉरिटी आती है उनको जो है रोकने की कोशिश करती है, राशन को बांटने के लिए मना किया जाता है, उस पर रोक टोक आ जाती है और इल्जाम जो है रिजवान अरशद शिवाजी नगर के MLA साहब के ऊपर आता है। अब हकीकत यह भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं रोशन बेग साहब और रोशन बेग साहब के अजीज दोस्त इश्तियाक पहलवान जी जो है इनकी मिली भगत भी हो सकती है। अभी इल्जाम तो मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब यह भी हो सकता है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है, MLA जो कैंडिडेट है, उन्होंने ये साजिश की हो, इसमें इश्तियाक पहलवान जी या रोशन बेग का हाथ भी बिल्कुल ना हो। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन बात असलियत यह है कि रिजवान अरशद का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उनको अपने काम के ऊपर फोकस करना है।
फिलहाल इतना ही है मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, IMA के इन्वेस्टर्स के ऊपर विजवान अर्शद जी के एहसानात बहुत है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब वायरल करें और विजवान अर्शद जी के लिए जो है ये जो झूठा इल्जाम लगाया है इसके लिए आप लोग आवाज उठाएं। शुक्रिया। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।